कटिहार जिला के हसनगंज थाना में नवपदस्थापित थाना प्रभारी मुकेश कुमार की अगुवाई में बैठक आहूत हुई। मिलन समारोह थाना क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि जुटे और सबों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। व्यक्तिगत परिचय के बाद प्रखंड में विधि व्यवस्था संधारण व थाना के उन्मुखीकरण पर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधि हसनगंज प्रखंड, मैं सोचा कि इस बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे, मिल भी लेंगे, क्योंकि पब्लिक और पुलिस एक दूसरे को मिल करके ही हर हमेशा काम करना पड़ेगा। हम मनोज बाबू अगली कार्यवाही कराएंगे, उसके बाद बोल करके मैं समापन करूँगा। मनोज जी धन्यवाद। धन्यवाद ग्रुप प्रमुख सर, ग्रुप जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार मंडल जी, पंचायत समिति प्रतिनिधि बलुआ। मैं इस कार्यक्रम को संचालन कर रहा हूँ। आज चूँकि विदाई समारोह नहीं है, आज हम लोगों को थाना अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी के द्वारा मिलन समारोह के लिए बुलाया गया था, तो मैं नए थाना अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी से एक बार हमारे बीच जो आए हुए जनप्रतिनिधिगण है, मैं उनका परिचय आपको दे दूं। ये हमारे दाहिने साइड में जो बैठे हैं, उन्हीं को बोलते जाइए, वही अपना बोलते जाएंगे, नहीं तो सबका प्रेशर आप ही पर पड़ जाएगा। जी आज थाना परिसर में इस कार्यक्रम का उद्देश्य, नए थाना प्रभारी मुकेश जी आए हुए हैं और हम लोग जो है एक समय सारणी को देखते हुए मिलन समारोह का एक रखे भाई चिन्ह और परिचय का हो जाए, क्योंकि हसनगंज है। दुखद इस बात का होता है हमें कि विगत जो है कई थाना प्रभारी आए और 3 महीना 2 महीना 4 महीना में जो है तब बदलाव होता है, कहीं न कहीं या हम लोग से या प्रशासन के द्वारा त्रुटिकरण होता है। इस त्रुटिकरण के लिए हम लोग एक जनप्रतिनिधि और सभी दल के हैं, इसमें एक सामूहिक हम लोग एक थाना प्रभारी के साथ बैठक रखे, इस पर जो है यह एक सुझाव हम लोग का भी दिया जाएगा और थाना प्रभारी महोदय के द्वारा भी लिया जाए, जो कि समावेश और प्रखंड और हसनगंज कैसे चले जब तक। अपना परिचय दें। मनोज कुमार मंडल, पूर्व प्रमुख हसनगंज। जी उपप्रमुख साहब, आज के मिलन समारोह का क्या उद्देश्य है? आज नए थाना प्रभारी हमारे यहाँ आए हुए हैं और इससे पहले थाना प्रभारी नवनीत कुमार जी थे, वह भी भली भांति निभा के गए और नए थाना प्रभारी भी आए हुए हैं। कुछ इस यहाँ के भौगोलिक स्थिति को जानने और समझने और बुझने के लिए आज मिलन व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई समस्या है, मिलन समारोह है और इस मिलन समारोह में अपना कुछ जानकारी वो लेंगे और हम लोग देंगे और इसी गाइडलाइन के अनुसार चलेगा थाना, और इसी वजह से आज सारे जनप्रतिनिधि लोग एकत्रित हुए हैं और थाना प्रभारी के अगुवाई में बुलाई गई है। जी अपना परिचय हमारे दर्शकों को। उप प्रमुख मोहम्मद अजीमुद्दीन हसनगंज। जी ये थाना परिसर में आज क्या कार्यक्रम? हमारे हसनगंज थाने में नया थाना अध्यक्ष का पदस्थापना हुआ, उसी का परिचय सत्र था आज, जो हसनगंज के लगभग सभी जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा थाना के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी का आज यहाँ मतलब एक दिन पहले ही सर लिया गया है। थाना को अपना भवन की कमी है, व्यवस्थित नहीं है थाना, क्या हुआ है अब तक इस और भवन का पैसा? देखिए जहाँ तक मत कह जाता मालूम है, भवन का पैसा भी आया हुआ है मगर जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण से भवन नहीं बन पा रहा है। जितना जल्द जमीन उपलब्ध हो जाएगा भवन बन के तैयार हो जाएगा। जी अपना परिचय। समर महतो, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज।